नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस को 1 दिसंबर को उसका नार्को टेस्ट कराएगी और पहले 5 दिसंबर को नार्को टेस्ट करने की डेट फाइनल हुई थी। वहीं इस मामले की जाँच कर रही पुलिस को आफताब के फ्लैट्स के बाथरूम, बेडरूम और किचन से खून के निशान मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि छानबीन के दौरान पुलिस को उसके फ्लैट से कुछ कपड़े भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने उन कपड़ों को सीज कर उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया है। जानकारी के अनुसार श्रद्धा वॉलकर हाल में ही आफताब को छोड़ना चाहती थी और दोनों ने 3-4 मई को अलग होने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन आफताब को ये नागवार गुजर रहा था, इसी के चलते उसने हत्या कर दी। श्रद्धा की हत्या के विरोध में हिंदू एकता मंच ने मंगलवार को महापंचायत का आयोजन किया, लेकिन इस दौरान मंच पर ही मारपीट हो गई। एक महिला ने मंच पर ही मौजूद एक शख्स को चप्पल से पीटा है। मंच पर मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव करके महिला को रोका। दरअसल दिल्ली के छतरपुर इलाके में श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर हिंदू एकता मंच ने इस महापंचायत का आयोजन किया था। यह पंचायत उसी इलाके में थी जहां आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी। बेटी बचाओ फाउंडेशन ने भी इस महापंचायत में श्रद्धा समर्थन दिया था और इसको लेकर महापंचायत के दौरान एक महिला अपनी शिकायत बताने के लिए मंच पर चढ़ी थी। जब शख्स ने उसे धक्का देकर माइक को हटाने की कोशिश की तो महिला ने शख्स की चप्पल से पिटाई करना शुरू कर दिया। तभी मंच पर मौजूद बाकी लोगों के बीच बचाव किया। आरोप है कि आफताब ने 18 मई को श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और दोनों 8 मई से दिल्ली के मेहरोली में फ्लैट में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। इससे पहले दोनों मुंबई रहते थे। 18 मई को श्रद्धा और आफताब का झगड़ा हुआ था और जिसके बाद आफताब ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आफताब ने उसके शव को 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखा। वो रोज रात में मेहरोली के जंगल में शव के एक टुकड़े को फेंकने जाता था और पुलिस ने आफताब को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था। आफताब का 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होना है। आईटी हब कहे जाने वाले कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में गैंगरेप की वारदात सामने आई है। वारदात को ऐप वेस्ट बाइक सर्विस के चालक ने अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित केरल की रहने वाली है। उसने कहीं जाने के लिए ऐप वेस्ट बाइक ड्रॉप सर्विस का इस्तेमाल किया, लेकिन बाइक इधर उधर किसी दूसरे सुनसान जगह पर ले गया और यहाँ बाइक चालक का दोस्त भी आ गया। दोनों ने मिलकर लड़की का रेप किया। बेंगलुरु में इस साल मार्च में भी एक गैंगरेप की वारदात हुई थी। पुलिस ने एक नर्स से कथित तौर पर गैंगरेप के मामले में दिल्ली के 4 पेशेवर तैराकों को गिरफ्तार किया था और सभी ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु आए हुए थे। और इससे एक आरोपी रजत 22 साल की पीड़िता के साथ डेटिंग ऐप के जरिए संपर्क में आया था। लड़की ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने उसे होटल के कमरे में मिलने बुलाया था। जब युवती उससे मिलने पहुंची तो वहां पहले से उसके 3 दोस्त मौजूद थे और युवती का आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद चारों ने मिलकर उसका गैंगरेप किया था। हाल ही में यूपी के फिरोजाबाद जिले में भी एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी। गैंगरेप का आरोप जो है वो लड़की के 4 दोस्तों पर लगा था। फिरोजाबाद के टुंडड़ा के निवासी एक युवती को उसके परिचित ने टुंडड़ा स्टेशन के पास बुलाया था। आरोपी टुंडा स्टेशन के पास एक कार लेकर खड़ा था और युवती को बिठाने के बाद वो उसे आगरा के होटल में ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकर 3 दोस्तों के साथ गैंगरेप किया। भारत के टेलीविजन चैनलों के लिए अगले साल से हर दिन 30 मिनट तक देश हित के कंटेंट टेलीकास्ट करना जरूरी होगा। 1 जनवरी 2023 से सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि वे हर दिन 30 मिनट तक राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट प्रसारित करें। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में भारत में सैटेलाइट टीवी चैनल के अपकमिंग और डाउनलोडिंग किंग के लिए ही दिशा निर्देश 2022 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत रोजाना आधे घंटे तक देश हित से जुड़े कंटेंट को टेलीकास्ट करना चैनलों के लिए अनिवार्य किया गया। भारत के टेलीविजन चैनलों के लिए अगले साल से हर दिन 30 मिनट तक देश हित का कंटेंट टेलीकास्ट करना जरूरी होगा। ऐसी संभावना है कि 1 जनवरी 2023 से सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए यह जरूरी हो जाएगा कि वे हर दिन
30 मिनट तक राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट प्रसारित करें। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में भारत में सैटेलाइट टीवी चैनल की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश 2022 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत रोजाना आधे घंटे तक देश हित से जुड़े कंटेंट को टेलीकास्ट करना चैनलों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल सरकार ने 9 नवंबर को दिशा निर्देश जारी किया था और उस दिन पूरे देश में दिशा निर्देश के प्रभावी होने के बावजूद सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने यह कहा कि चैनलों को देश हित से जुड़ा कंटेंट तैयार करने के लिए वक्त दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो चैनलों और बाकी हितधारकों के साथ कई दौर की मीटिंग्स हुई, जिसके बाद यह तय किया गया कि 30 मिनट तक देश हित का कंटेंट वाले दिशा निर्देश को 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सूत्रों ने यह भी कहा कि इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रालय के आला अधिकारियों और हितधारकों के बीच एक मीटिंग होने जा रही है। वहीं चैनलों को कंटेंट तैयार करने के लिए 8 थीम्स दी गई है और ये थीम्स है शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं का कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि इससे क्या फायदे होंगे। सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि समय समय पर सरकार देश हित से जुड़े कंटेंट के प्रसारण के लिए चैनलों को सलाह जारी करती रहेगी और चैनल के लिए जरूरी होगा कि वे इसका पालन करें। बताया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के टेलीविजन चैनलों को सिंगापुर के बजाय भारत से अपलिंक करने की इजाजत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सिंगापुर उपमहाद्वीप में प्रसारित चैनलों के लिए पसंदीदा अपलिंकिंग हब है। फिलहाल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में रजिस्टर्ड कुल 897 चैनल में से सिर्फ 30 चैनल ही भारत से अपलिंक है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के विषय पर बीजेपी की नीयत में खोट बीजेपी है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार समाप्त करने की बजाय सिर्फ हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। ये सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को समर्थन, रिकफंड घोटाले को 8 साल तक क्यों दबा कर रखा और अभी तक जांच क्यों दबा रही है। जो भ्रष्टाचारी थे वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं गए हैं और जनता को भाजपा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया। जनता समझ रही है कि भाजपा भ्रष्टाचार समाप्त करने की बजाय उसकी पोषक है और जरूरत पड़ने पर चाहे वो चुनाव हो या किसी नेता को चुप कराना, उस समय हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की नियत में खोट है। प्रदेश का जनमानस सवाल पूछ रहा है। भ्रष्टाचार हुआ इसमें कोई दो राय नहीं, जमकर लूट हुई, लेकिन 8 साल तक उस भ्रष्टाचार की जांच को दबाकर क्यों रखा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी? यानी जनता के पैसे की जिसकी जमकर लूट हुई सपा सरकार में, भाजपा की ईमानदार नियत यदि होती तो आज जो भी भ्रष्टाचारी वो जेल के सलाखों में पीछे होते, वो जेड आउट वाई सिक्योरिटी में नहीं होते। तो ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को हथियार के रूप में विपक्ष में इस्तेमाल कर रही है। वो उनकी नियत भ्रष्टाचार को समाप्त करने की नियत नहीं है, उनकी नियत सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के सहारे सत्ता में बने रहने की है। भाजपा की खुद की सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रहा और पिछली भी सरकारों के भ्रष्टाचार को छिपाया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैनपुरी उपचुनाव के लिए पूरा यादव कुनबा एकजुट नजर आ रहा है। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव फिर से परिवार के साथ अब बहू डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं और इसी बीच अब शिवपाल यादव पर रिवर फ्रंट घोटाले में एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो सीबीआई जल्द अपनी पड़ताल शुरू करेगी और रिवर फ्रंट मामले में शिवपाल यादव से पूछताछ की बात सामने आने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैनपुरी में परेशान समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। रिवर फ्रंट घोटाले की सीबीआई जाँच बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने यह संकल्प लिया था
कि सपा बसपा के शासनकाल में हुए हर घपले घोटाले और भ्रष्टाचार की हम जांच कराएंगे। सीबीआई रिवरफ्रंट मामले की जांच कर रही है और ऐसे में अगर सीबीआई शिवपाल सिंह यादव या सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए अगर अनुमति मांगती है तो इसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। समाजवादी पार्टी आज जब मैनपुरी में पूरी तरह से परेशान है तो जानबूझ करके ऐसे तमाम मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। बाराबंकी में शमीम राइन को राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर उर्दू अकादमी के सदस्य राजा कासिम के आवास पर स्वागत और समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के पसमानदा समाज की हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे चोखरी के फुलवरा अंसारीवा और इसके साथ ही नवनियुक्त जिला अधिकारी शमीम राइन का 91 किलो का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। और इस दौरान पसमानदा मुसलमानों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा, जो पूर्व की सरकारें पसमानदा समाज के लिए सोचा तक नहीं था वो काम मोदी और योगी ने कर दिखाया है। और पहले पसमानदा समाज के लोगों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता था और सरकारें बन जाने के बाद पसमानदा समाज को भूल जाते थे। उन्हें ये भी याद नहीं रहता था कि इन्हीं समाज की वजह से आज कुर्सी पर बैठे हैं। जो काम पूर्व की सरकार नहीं कर सकती थी वो काम मोदी और योगी सरकार ने कर दिखाया है। और इस मौके पर मौजूद लोगों में उर्दू अकादमी के सदस्य राजा कासिम, संचालक सगीर नूरी तारिक और जिलानी सोयब अनवर, नासिर अंसर, अमीर हजमा और इसके साथ ही आजमी आदि लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। बिजनौर में यातायात माह के दौरान SRS मॉल पर माउंट लिट्रा जी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों द्वारा लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा उक्त कार्यक्रम की सराहना करते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया है और आमजन से यातायात के सभी नियमों का पालन करने की अपील की गई है। इस समय यातायात माह चल रहा है, यातायात सुरक्षा के लिए पूरे माह भर कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे आम जन में जागरूकता हो। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसके द्वारा यातायात नियमों का पालन करने के लाभ के बारे में, उल्लंघन करने पर क्या घटना दुर्घटना होती है इसके बारे में इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों ने यहाँ प्रदर्शित किया, आम जन में यातायात के नियमों के पालन करने में सहायक सिद्ध हो और उनकी महत्ता। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में हेल्पलाइन नंबर 1090 की जागरूकता वैन को गोरखपुर SSP ने आज पुलिस ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये वैन जिले के 5 अलग अलग स्थानों पर घूमकर लोगों को महिला संबंधित होने वाले अपराध और उसके रोकथाम से जागरूक करेगी। ये वैन गोरखपुर जोन के 11 जिलों में भ्रमण करेगी और आज SSP गौरव ने ही 1090 किस जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है और महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत बनाने के लिए महिला हेल्पलाइन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और 24 घंटे चलने वाली महिला हेल्पलाइन नंबर पर महिलाओं को हर प्रकार की होने वाले अपराध में मदद प्रदान की जाती है। और इस मौके पर पुलिस ऑफिसर और तमाम महिला पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों के साथ पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। सहारनपुर जनपद की बेहट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम साडोली कदीम निवासी होमगार्ड के जवान सुभाष कुमार की मंगलवार की सुबह हद्य गति रुक जाने से मौत हो गई है। जवान के मौत की खबर से परिजनों के साथ साथ समस्त स्टाफ में शोक की लहर दौड़ गई है। होमगार्ड के जवान की मौत का समाचार मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी मुनीश चंद्र और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार पांडे ने कहा कि होमगार्ड के जवान की मौत एक दुखद घटना है। मृतक जवान के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मृतक जवान को शासन से जो भी मदद हो सकेगी उसके प्रयास किए जाएंगे।
हरदोई में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और रफ्तार ने दो भाइयों समेत तीन लोगों की जान ले ली है। दरअसल तिलक चढ़ाकर वापस लौट रहे दुल्हन के घर वाले हादसे का शिकार हो गए हैं। उनकी टाटा सफारी गाड़ी खाई में जा गिरी है और इस हादसे में कार पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि छह लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इस बीच बेटा गोकुल और मस्तीपुर के बीच मस्तीपुर पुलिया के ही पास मोड़ पर पहुंचने की टाटा सफारी खाई में जा गिरी और जिससे उस पर सवार हिम्मत पट्टे और नेहा की वहीं पर मौत हो गई है, जबकि रामदेवी, हिमांशु और विशोक बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। गाड़ी का ड्राइवर राजू निवासी मसूना मऊ कोतवाली बिलग्राम का बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हुए उनका पोस्टमार्टम करवाया है और जबकि जख्मी हुए लोगों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है और वहीं मामले में अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। इटावा के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत सराय दयानंद में MBBS में दाखिला लेने जा रहे मेडिकल स्टूडेंट ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताते चले आपको कि आज छात्र का MBBS में दाखिला होना था, उससे पहले ही छात्र ने आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।